यहाँ का कोई शमशान घाट है उसको साफ करना है। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। अरे 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 ध्यान से, लोग मुझे पकड़ रहे हैं। मेरी नहीं होगी, लो पकड़ो। अरे करके तो देखो, ठीक लग रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और आपको भी मजा आने वाला है व्लॉग में। पिताजी पैरोल पे आ चुके हैं, डॉक्टर MSG आ चुके हैं पैरोल पे। तो वो कल आए ना खुशी, या परसों आए हैं। तो सबने डिसाइड किया है कि हरियाणा में सफाई अभियान रखा गया है, ठीक है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम सफाई करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास झाड़ू नहीं है, झाड़ू सिर्फ एक है। मैं खुशी और सिमी जा रहे हैं, तो तीन झाड़ू कम से कम हमें चाहिए होगी। देखते हैं, अगर रास्ते से हम बाय कर सकते हैं तो रास्ते से हमें खरीदनी पड़ेगी वो। और बस हमने साथ में खाने के लिए नमक की पूड़ी वगैरह भी ले ली है, ठीक है। ये खुशी के हाथ में है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पे कुछ खाने वाने के प्रोग्राम ना हो या कुछ ऐसा हो, तो हम ये खा सकते हैं, बैकअप है हमारे पास। और तो बस रेडी हो चुके हैं, फटाफट थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर वोमिट की प्रॉब्लम रहती है। खुशी ने तो ये तो वेट ही नहीं करती खाने के मामले में। मैं और सिमी रह रहे हैं, हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना सामान इकट्ठा करते हैं, झाड़ू वगैरह, और फिर निकलते हैं। अब चलो बैठो और फटाफट नाश्ता करो। डैडी आपने नाश्ता कर लिया? नहीं। क्यों? मिला नहीं। मम्मी डैडी को नाश्ता क्यों दिया? यूं कह रहे कि मेरे को नाश्ता मिला नहीं अब तक। हाँ जल्दी दो उनको भी। इसे कैसे बंद करूं? क्या ताए बनाए इसकी? हाँ वो जैसे वो बैग थे ना उनकी। हाँ वो वाले अलग होते हैं, लेकिन वो हमें मिला नहीं, हमें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी उसे। उस एक्स्ट्रा बैग हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि अब काम करने वाले हैं तो गर्मी लगेगी। हम अपनी जैकेट वगैरह जो स्टॉल वगैरह रखेंगे वो हम अपने उसमें पैक करके रख देंगे। और क्या प्रॉब्लम हो रही है बोलो? पीछे पीछे मेरी नकल उतारते रहते हैं ये। एनीवे हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो फटाफट नाश्ता करके निकलते हैं। हाँ हम अपने रॉकेट को यही छोड़ के जा रहे हैं। मन तो इतना करता है इसको लेके जाने का, पर क्या करें, लेके ही नहीं जा सकते। इसका एक अपना खेलने का अलग ही अंदाज। फेस पे लग जाएगी गोलू, लग रही है, और फेस पे भी तुम्हारे ये। तो सूरज हल्का हल्का सा निकल चुका है और दिन भी निकल चुका है बहुत अच्छे से। और उधर देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा है? सही से दिखाऊंगी। ये देखिए सूरज भी निकल चुका है। को भी दे दो। ले तू भी ले, फिर मेरे को पता है वोमिट करती जाएगी। आप ज्यादा करते हो, मैं नहीं करती। लास्ट टाइम तो मेरे को ही हुई थी, ये तो बात सच है बिल्कुल। पानी लेके आओ, पानी से लेंगे। पानी तो शायद रूम में है पानी, इतना अंदर क्यों रख रहे हो इसको? मैं वो कड़वा हो गया मम्मी। पानी ले ले। अरे मेरे से पूरी थोड़ी टाइट बन गई, मेरा आटा ना जल्दी जल्दी में बनाया तो मेरे से थोड़ी सी टाइट बन गई। मैं सोच रही थी मगर ये सॉफ्ट नहीं होगी बाबा जी के हिसाब से। ले लिया क्या? इसको पकड़ियो, ले फटाफट, तू भी ले जल्दी। नहीं लिया अभी तक। ले ओ यार, गाड़ी आने वाली है फिर। दीदी ने तो बिल्कुल यहाँ पे रख के लिए, मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ। चलो नीचे ही चलते हैं बस, फिर एकदम से आएंगे ना तो कम से कम हमें लेट तो नहीं होगा। झाड़ू तो एक ही है, जो भी है उसको ही ले ले, फिर बाद में रास्ते में से लेंगे। वैसे ये भी गलत है, हम बंदे तो तीन हैं और झाड़ू हमारे पास एक ही है फिलहाल। अंकित भी रेडी हो चुका है, अंकित भी हमारे साथ चलेगा है आज। तो मतलब कैसे, कहाँ से सूरज निकल रहा है, तुम तो कभी जाते भी नहीं हो। हाँ शर्म की बात है कि जो फेस छुपा रहे हो, शान की बात है। हम सफाई करने के लिए जा रहे हैं, पूरा शहर साफ करके आएंगे। ये झाड़ू खाए आपकी? झाड़ू उठा ले, खुरपी वुरपी फावले वावले सब निकाल वाले। चलो फाइनली हमारी गाड़ी हमें रास्ते में मिल गई है। झाड़ू उठा ली, झाड़ू गाय तेरी, हमने तो ले लिया। रास्ते से लेंगे अभी, हम भी लेंगे, हमारे पास भी ओनली वन झाड़ू है। आज झाड़ू लगा रही है पूरा दिन। बंदे ज्यादा थे और गाड़ी छोटी पड़ गई, तो इसलिए हमने गाड़ी चेंज करने का डिसीजन लिया है। इसमें तो हम ऐसे तो एडजस्ट होके नहीं जाने वाले थे क्योंकि बहुत दूर जाना था, तो गाड़ी दूसरी बार आने वाली है। अब इस गाड़ी में हम एडजस्ट हो पाएंगे, बड़ी वाली गाड़ी आ चुकी है। आप भी जा रहे हो क्या? ना, 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 ना। कोई नहीं, गाड़ी पकड़ लो। तो ठीक है, हम जैसे कैसे इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। वैसे पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं आए, लेकिन फिर भी पहले से तो सही बैठे हैं, कंफर्टेबल। तो जहाँ भी हमें आना था हम वहाँ तो आ चुके हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, सबके हाथ में झाड़ू है अपनी अपनी। और कुछ टाइम बाद हमें बता दिया जाएगा किस जगह जाके हमको सफाई करनी है, क्योंकि उस पर ड्यूटी लगती है ना कि इस गली में इस मोहल्ले में आपको जाना है और ऐसे जाना है। पूरे हरियाणा में है वैसे तो, लेकिन हम हरियाणा के जगाधरी में, हम हरियाणा के जगाधरी में अभी हम हैं। और बाकी ब्लॉक वाइज सबकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं पे।
हम लोग यहाँ पे हैं। अभी और लोग आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, जिसकी जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से। तो सफाई अभियान से पहले चाय पीनी है सबको, तो यहाँ पे पहले चाय पीनी है, चाय पीने के बाद फिर काम पे लगेंगे। चलो जल्दी अपना अपना कप लो और जल्दी लगो फिर काम पे। नहीं पियोगी सिमी? चाय ले लो जल्दी। अच्छा मेरे लिए तो ले ले। खुशी ले रही है क्या? भूख लगी है। हाँ हम लेके आए हैं, दो कप ले ले। मैंने पीती मम्मी। थैंक यू, थोड़ी सी पी ले सिमो। जब चाय ले रही है घर से पूरी बना के लेके आए थे, श्रेया को भूख लग रही है तो उसके साथ में एक एक पूरी खा ले लो श्रेया। हाँ अंकल जी ले लो। अच्छा खुशी तो दे रही है। मम्मी आप ले लो। जगह बता दी गई है हमें, किसी प्राइवेट जगह पे तो नहीं लगानी है झाड़ू वगैरह, कुछ भी साफ सफाई नहीं करनी है हमें। जो ये पब्लिक एरिया है वहाँ पे जाके झाड़ू लगानी है। सारा क्राउड निकल चुका है सफाई करने के लिए, साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है, सारी संगत साफ सफाई में लग चुकी है, छोटे छोटे बच्चे भी साफ सफाई में लगे। बहुत ज्यादा भीड़ है, मास्क लगाने की धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि एकदम से सब लग चुके हैं ना एक ही साथ, बिल्कुल धूल उड़ती जा रही है। ये हमारे सेवादार सेवा में लग चुके हैं, मुँह भी चल रहे हैं साथ साथ में, हाथ भी चल रहे हैं। मिल गई झाड़ू, वाह वेरी गुड। जो सफाई कर रहे हैं इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सब नाली में हाथ दे रहे हैं, ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इक्वली काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारा प्रोफेशन ही है, प्रोफेशनल नहीं बन रहे। ये इकट्ठा कहाँ से मिला तुम्हें? एक लेडी लेके गई है। अच्छा ये रोड के बीच में यहाँ से भाई साफ कर रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ बहने जा रही है। अब हम लोग यहाँ पर बस अड्डे की तरफ आए हैं, यहीं पे झाड़ू लगानी है हम लोगों को, फिर उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ ऑलमोस्ट सफाई कर दी गई है, मतलब सफाई करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है मेरे को यहाँ पे। ये बस स्टैंड का ही कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे सारी संगत एक बार ही आई, कच्चा एरिया है कोई बस स्टैंड का। अब लग रही है गर्मी, अब ये बाल को कवर करना पड़ेगा, अब गर्मी लगना शुरू हो गया है, मतलब जैकेट निकालने का मन कर रहा है कुछ। मेरा भी चलो अभी, फिर कहाँ पे रखेंगे इसको? निकाल देती हूँ ना। कहाँ रखोगे फिर इसको? रखने की जरूरत नहीं है इसको, खुद से बाहर निकलेंगे ना। मैं अपनी जैकेट ऐसे कर सकती हूँ खुशी, ठीक है? मेरी नहीं होगी, लो पकड़ो। अरे करके तो देखो, ठीक लग रहा है। बस स्टैंड क्लियर हो चुका है, तो अब हम बस स्टैंड से निकल चुके हैं। सारा दो मिनट भी नहीं लगी, एक मिनट में बस स्टैंड बिल्कुल साफ। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। मेरे बाल काटने पीछे कर दो। काफी टाइम बाद लेकिन फिर भी हमको ग्लव्स मिल गए हैं, लेकिन लेट मिले हैं थोड़ा, और इससे थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि हम नाली वाली से कूड़ा निकाल रहे हैं ना, तो ये सही रहेगा। हमने लगभग पूरा शहर साफ कर दिया, और ये बंदा जहाँ भी इसको बाइक मिल रही है ना, उसके सहारे लेके खड़ा हो जाता है। शक्ल दिखा अपनी, सेवा के नाम पे क्लंक है। इतना काम करने के बाद हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और अब गन्ने का जूस का मन कर रहा है, गन्ने के जूस वाला मिल चुका है, पहले गन्ने का जूस पियेंगे हम लोग, फिर आगे साफ सफाई के लिए जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, गर्मी भी ज्यादा लग रही है।
पूरा शहर का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। थक गए हो काम करते करते? जी चलो गन्ने का रस पिलाएंगे तुमको। हाँ जी, थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा तुम लोगों को। श्रेया के तो हाथ भी बहुत गंदे हो रखे हैं। ग्लव्स निकाल दो, ग्लव्स निकाल दो, ग्लव्स निकाल दो। कोई बात नहीं, वैसे यहाँ जो संगत साफ सफाई कर रही है उनके लिए चाय पानी और ये सब चीजें भी अवेलेबल है। तो हमारे तो मन नहीं, हम गन्ने का जूस पी के आए थे तो इसलिए हम तो नहीं पीएंगे। मेरा तो मन नहीं है, पानी पीना है, पानी पीना है। ले लो बोटल्स दे रहे हैं वो पानी की। सड़कों की साफ सफाई के बाद क्या इसको खाने के लिए यहाँ पे आगे भी सड़कों की साफ सफाई के बाद अब हम किसी हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ की साफ सफाई करनी है। पहले बस स्टैंड किया क्लियर, फिर सड़कें की और फिर अब यहाँ पे आए। तुम भी ग्लव्स निकाल दो खुशी, गंदे हो गए हैं बहुत, हम सब ने निकाल दिए। तुम्हारे ठीक है, तुम पहने रखो। तुमने निकाल दिए, डस्टबिन में डालो। जेंटलमैन ध्यान दे, सभी दे दी गई है। झाड़ू अंकित को दे दी गई है, हाथों से लड़ाई करेंगे। हाँ झाड़ू भेजना शुरू कर दिया इसने। आज 50 की है, 50 से बहुत महंगा हो गया। 20 रुपए की तो लेंगे। बंद ना दे, अरे बंद ना जी, ठीक है फिर अपने झाड़ू से। मैं कहीं भिन्न काम करेंगे, हम मैं घबरा गई। स्वाहा भैया, भैया स्वाहा। ये साफ सफाई के लिए नहीं, मस्ती के लिए। झाड़ू सारी दाब को सबसे अनोखा सेवादार है। सीरियसली सुबह से बड़ी ईमानदारी के साथ भाभी यही वाली सेवा चल रही है। किसी की बाइक मिल रही है तो बाइक पे सेवा कर रहे हैं बैठ के। स्कूटी ठेला, सब्जी वाला ठेला, फ्रूट ठेला, सब उस पे बैठ के सेवा कर रहे हैं। ये पक्के सेवादार है, पक्की सेवा में नाम लिखा हुआ है हमारा। इतनी सारी सेवा करके थक चुके हैं हम लोग। अंकित को मेरे तो देख कर बहुत हंसी आ रही है। अंकित ने सुबह से यही काम कर रखा है। वैसे थक तो बहुत चुके हैं क्योंकि चले भी बहुत ज्यादा। कितने किलोमीटर चले होंगे लगभग अंकित? हम 3 किलोमीटर तक पर चल गए। हाँ 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं हम सुबह से अब तक। और अब फिर यहाँ से वापस जाना है, उसमें भी चलना ही होगा हमारा। जी कैसी फीलिंग आ रही है आपको? एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है। मम्मा कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपको? जबरदस्त। आपको? आपको ऐसी आ रही है? वैसे सुबह से मजा तो बहुत आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं है, खुशी में बहुत मजा आ रहा है। तो अब लंगर का टाइम हो चुका है और अब लंगर खाएंगे। लंगर इस बार छोटा छोटा ही है, पर ज्यादा बड़े साइज का नहीं है। लंगर की सेवा शुरू हो चुकी है। भाइयों की तरफ भाई कर रहे हैं और बहनों की तरफ उधर बहने कर रही है। मिल गया तुम लोगों को भी? छोटा ही है अब की बार। हाँ इस बार साइज बिल्कुल सही है। इस बार मैं खा लूंगी, मुझे जबरदस्ती खिलाना नहीं पड़ेगा। मैं बैठ जा मेरे भाई। अंकल थोड़ी सी थी, मेरे से भी ज्यादा होगी अंकल, मैं नहीं खा पाऊंगी। निकाल लो, मेरे तो बिल्कुल सही है ये। गरम है बहुत ज्यादा, धीरे से खाना। सब्जी ठीक है? चलो जी पेट पूजा भी हो चुकी है, अब लग रहा है शायद यहाँ से घर की तरफ निकले। शायद पॉसिबिलिटी तो यही है, अगर और सफाई ना बची हो तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा हर बार की तरह लंगर के प्रसाद के बाद ये बूंदी का प्रसाद भी मिलता है। बूंदी का प्रसाद मिल रहा है तेरे को? नहीं मैं शूट कर रही हूँ बावले, तेरे को नहीं कर रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो, तेरे को नहीं कर रही हूँ मैं। पता क्या कह रही थी ओ बेवकूफ, मैं ये कह रही थी कि हर बार लंगर के प्रसाद के बाद ये बूंदी का प्रसाद भी मिलता है। तू ले रहा था, मेरी गलती नहीं है। तू था बस वहाँ पे, इसको लगा कि मैं इसके लिए कुछ स्पेशली बोल रही हूँ। ये तुम्हारी मिस्टेक है, कल को ब्लॉग देख लेना। अब हम पहले वाले खाने वाले, काम खत्म है। मैंने तो बहुत पहले पहन ली थी अपनी जैकेट।
लिया नहीं क्या तुमने प्रसाद? ले लो जल्दी। कितने बहनों को तो साइड मिल रहा है, भाइयों को इस साइड मिल रहा है, कहीं से ले ले, मुझे भी दे दो दीदी। थैंक यू। चलो जी हो गया बूंदी का प्रसाद भी, अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, मम्मी झाड़ू बचा के। तो फाइनली हम अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा पैदल चल के आए यहाँ तक और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। जैकेट भी रख दी क्या, कभी फिर ठंड लगे? हाँ ले लेंगे अभी तो बाहर। चलो कहाँ जा रहे हो? आपको साइकिल दिखाती हूँ मैं, कितनी अमेजिंग लग रही है। अभी हम किसी पैलेस में हैं और ये देखो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए। हाँ डेकोरेशन के लिए हमें छोड़ के आ गई तुम। हाँ उसको भागने की लग रही थी। चलो कोई नहीं, तो अभी हम दूसरी लोकेशन पे आए सफाई के लिए। यहाँ का कोई शमशान घाट है उसको साफ करना है, जस्ट नॉर्मल क्लीन करने के लिए आए। अंकित को डर लग रहा है यहाँ आते हुए। इधर डंडे क्या बात है, देखो कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे साफ सफाई शुरू हो चुकी है, वो मुझे पीछे छोड़ के चले गए। अंकित अंकित रुक तो जाओ, बिल्कुल वहीं पे जाके जहाँ पे उनको जलाया जाता है वहीं पे जाओगे क्या? क्या हुआ? जो कमरे से लाल लाल दिख रहे हैं नीचे आदमी सकते हैं। अच्छा ऐसे हमने भी कभी नहीं देखा, तो हम वहां से जाके देखेंगे क्योंकि हमें तो कोई लेके नहीं जाता। पता नहीं क्यों लेडीज को लेके नहीं जाते बस, पता नहीं गांव में तो कोई भी लेडीज को लेके नहीं जाता। लकड़ी मतलब कहाँ को लगाई जाती है? अच्छा इसमें नीचे लकड़ी लगाई जाती है, ठीक है। और वो उधर क्या है, वो उधर बैठने के लिए खड़ा होने के लिए क्या? अच्छा चलो भाई अपनी झाड़ू पकड़ो, खुशी ये ले झाड़ू पकड़ और शुरू हो जा। एक मुझे दे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कभी झाड़ू लगी ही नहीं है, फर्स्ट टाइम झाड़ू लग रही है। पता नहीं क्या फाइनली अंकित भैया भी झाड़ू लगा रहे हैं। ये बोल रही है सिम्मी की, फाइनली अंकित भैया भी झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ आगे खुली तेरी भी शर्म, मना कर रही है ये तो। भैया राख भी उठानी है यहाँ से, ये इसको तो रहने देते। ले भाई होगी साफ सफाई, कितनी झाड़ू लगाई गिनती में? एक दो तीन, इससे चेंज कर ले अंकित से, अंकित से चेंज कर ले। सर दर्द हो रहा है, बस थकान तो हो ही जाती है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हैं क्या बोला उसने? सुकलीन। सुकलीन? अच्छा सुकल, अब वो क्या नाम है दोबारा बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया। अरे वो जो पंजाबियों का होता है ना कुछ ऐसा नाम है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, सुकलीन ऐसा होता है ना, गुरप्रीत सुकलीन अगर एवर। और एक ये छोटी सी बच्ची, ये तो बहुत देर से काम कर रही है, दौड़ दौड़ के सारा सामान यहाँ से इसने क्लियर कर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? है अविशा, वेरी गुड बेटा। वहाँ पे वो सुकलीन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, देखो तो। हाँ न्यू ट्रिक। हाँ ये भी सही है, ये हमारे बड़े बच्चे भी यहाँ काम पे लगे हुए हैं, सारे लगे पड़े हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग सब वहाँ पे, वो बुजुर्ग काम कर रहे हैं बैठ के। बस एक हमारा वो बुजुर्ग, ये वाला बुजुर्ग नहीं कर पा रहा है, उसको पता नहीं क्या हो गया है, वरना सब कर रहे हैं फिलहाल तो। लो जी भाई जहाँ जहाँ सेवादार पहुँच रहे हैं वहीं वहीं पे पानी चाय सब कुछ पहुँच रही है। ये इनके सेवादारों की सेवा कर रहे हैं और सेवादार यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, मतलब सुबह से बहुत मन लगा हुआ है, सब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं साथ में, प्लस सफाई तो हो ही रही है, कोई भी जगह नहीं छुप पा रही है जहाँ सफाई ना हो। एक एक चीज़
एग्जाम्पल के लिए शमशान घाटी देख लो, ये भी हमने साफ कर दिया है, इसको भी नहीं छोड़ा। कुल मिला के बात कहने की है, हम लो एंड हार्ट के बच्चे हैं, किसी भी चीज से पीछे हटते नहीं है मोस्टली। भैया पानी चाहिए था, पानी के पास लगे। ओके ओके ले आओ, आपके पास है? थैंक यू। ले रहा भैया, ये रे भैया। हाँ भाई, पानी दे दो भैया इनको। ठंडा है ये? ठंडा है? हाँ ठंडा। ये गर्म है, मेरे को ठंडे वाला दे दो। सेवादार, ये वही वाली बोतल आ गई क्या? ये तो गर्म है भैया। ये लो आपको चली गई दोबारा। हाँ थैंक यू। सच में सेवादार सबकी बहुत केयर कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं सारी चीजें उनको टाइम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाय पीनी है? खुशी को चाय पीने, खुशी चाय लेने के लिए गई है। एक मेरे लिए भी ले लेना। थैंक यू, वेलकम। मेरे से पूरे नहीं पी जाएगी, तू पी लेना थोड़ी, नहीं होगा? उठा ले दोनों, झाड़ू उठा ले ये पहले। अब ये पल्ली वगैरह आ चुकी है, इनमें ये कूड़ा उठा लिया जाए। चलो अंकित कहाँ है? अंकित यही तो था। श्रेया अभी तक वहीं पे लगी पड़ी है। श्रेया आज चाय पी ले, चाय नहीं ठीक है कर ले फिर। ये देखो सेवादार हर सिचुएशन में हर हालत में सेवा कर रहे हैं, चाहे उसको जैसे करनी है। ये देखो सारा चमका दिया सारी सत्संगत ने। सेवा के बाद लड्डू का प्रसाद जाते टाइम सबको मिल रहा है। कार्टून लाओ अंकल जी, भैया मुझे मेरे को मिल गया है, तुम लोग भी ले लो। इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता क्या? जाके लेके आओ अपना अपना। चलो जी अब सब हो गया, फाइनली घर की तरफ। सारा दिन बहुत अच्छा रहा, मेरा तो बहुत ही औसम वाला, बहुत मन मेरा गजब दिन वैसे अच्छा रहना ही था, काम सारा। मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी कह रही मौज मस्ती वाला। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड। गाड़ी आ रही है पीछे। एक और स्टॉप लग गया यहाँ पे, मतलब हम बैठ चुके थे, जाने वाले थे, बीच में रुके और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, नाम से अच्छा घर है। यहाँ पे बहुत सारा लंगर डाला और चाय वगैरह बची हुई है ना, तो ये बोल रहे हैं कि अब वो वेस्ट ना हो तो इसलिए घर लेके जाना है। चाय पीने का मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती कह रहे पी लो पी लो पी लो। अब तो पीनी पड़ेगी तेरे को चाय, अब तो सिम्मी भी ले लेगी। ले ले ले, कब ले ले, लेनी पड़ेगी अब जब बोल रहे हैं ले ले, थोड़ा थोड़ा ले ले। वैसे भी थक चुके हैं। मम्मी ये रख अब मेरा, ये नीचे वाला कप पकड़ लो। कौन सा कप है चाय का? शायद तीसरा, शायद पक्का नहीं। हाँ सुबह से तीन कप चाय पी चुके हैं। आप नहीं लोगे? थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी। नहीं तेरा तो दूसरा है, ये कब चाय का? हाँ नहीं तूने सुबह तो पी रही होगी, ये पीनी। सुबह किस टाइम दी पी थी हमने? जब स्कूटी के पास खड़ी होगी, वो खा रहे थे हम। हाँ आ गया मेरे यार। हाँ तब पी थी, तो फर्स्ट टाइम ही है, तब भी नहीं पी थी। क्या लगता है फाइनली हम घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? और अब क्योंकि हम पहले भी ये सोच के चले थे ना कि अब बस घर ही जाना है, बीच में फिर एक स्टॉप लग गया। मुझे भी कुछ कुछ लगता है। जब हम घर पे आ गए तो मैंने अपने फोन चेक किया था, घर पे नहीं मैंने गाड़ी में बैठे बैठे फोन चेक किया था, तो मैंने देखा कि हम 10 किलोमीटर चल चुके थे। और जबकि बहुत बार तो ऐसा मेरा फोन बंद होके अंकित के पास रहा, तो हम 12 से 13 किलोमीटर चल लिए थे, तो बहुत ज्यादा थक गए थे। तो इस ब्लॉग का मैं आज एंड कर रही हूँ, कल तो मैं सो गई थी आते ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।